वहीं नागपुर जिले के प्रेस क्लब में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेश फडणवीस को एक पत्रकार वार्ता की। आयोजित पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री ने भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र के बारे में चर्चा की। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र गारंटी के अनुरूप लोकाभिमुख है। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका अभ्यास इस विषय में परिपक्व नहीं है, वे सिर्फ लोगों में घोषणा करते हैं लेकिन उस पर अमल कभी नहीं करते। कांग्रेस का जो जाहिरनामा है हा फेल जाहिरनामा, याचं कारण कांग्रेस यापूर्वी छत्तीसगडला निवडून आली होती, जाहीरनाम्याची एकही गोष्ट पूर्ण केली नाही। राजस्थानला निवडून आली होती, जाहीरनाम्याची एकही गोष्ट पूर्ण केली नाही। हिमाचलमध्ये निवडून आले, जाहीरनाम्याची एकही गोष्ट पूर्ण केली नाही। आताही कर्नाटकमध्ये निवडून आले तर जाहीरनाम्याची एकही गोष्ट त्यांनी पूर्ण केलेली नाही। त्यांच्याकरता जाहीरनामा कागद आहे, आमच्याकरता ती मोदीजीची गॅरंटी आहे।